नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं लेकर बड़ी चर्चा। उत्तर प्रदेश में सच में ऐसा लगता है कि यहां स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे ही है। इसकी ताजा बानगी यूपी के एक छोटे से जिले सिद्धार्थनगर में देखी गई। जी हां, पूरा मामला जिले के बडनी प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र का है, जहां औदही कला गांव और एक अन्य गांव में लगभग 20 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड लगाई गई, लेकिन 14 मई को दूसरी डोज लगाते समय स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी लापरवाही बरतते हुए कोवैक्सीन की डोज लगा दी। ऐसी बड़ी लापरवाही शायद माफी लायक भी नहीं है, लेकिन अभी तक किसी पर भी कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। अगर हादसा हो जाता, लोगों की जिंदगियां चली जाती तो खेल शुरू होता, मुआवजे का कार्रवाई होती, लेकिन शायद जो इतनी बड़ी गलती स्वास्थ्य व्यवस्था में देखी गई उससे शायद सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने इस मामले में सरकार को घेरा है। तो लगातार जिस तरह से गांव के हालात उजागर हो रहे हैं, लगातार जो चीजें सामने आ रही है, पीएससी सीएससी की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हैं। गांव में इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसके बाद इस तरह की भारी लापरवाही कहीं ना कहीं आज की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। वहीं आपको सुनाते हैं सिद्धार्थ नगर में ये जो वैक्सीन का कॉकटेल जिन पीड़ितों को दिया गया है उनका क्या कुछ कहना है। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। वह बाद में पता चला है, जब उसके बाद वैक्सीन खत्म हो गया तो उसने कहा कि यहाँ अब हमारे पास है ये नहीं है, वैक्सीने नहीं है, तो वहाँ से मंगाया गया वैक्सीन। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि ये तो गलत हो गया, वहाँ लग गया दूसरा सुई। तो आपने सुना कि किस तरह से पीड़ित डरे हुए हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका पैदा हो गई है कि अब क्या होगा। जिस तरह से वैक्सीन का कॉकटेल उन्हें दिया गया है, उसके बाद किस तरह से उनकी जिंदगी पर बनाई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई पड़ी हैं, उसकी बानगी करती है खबर भी, एक और ये इशारा कर रही है कि सरकार को जरा सा भी ग्रामीण इलाकों की ओर कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन अगर असलियत और ग्राउंड में उतरकर जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पे प्राइमरी जो पीएससी है और सीएससी है वो पूरी तरह से वहां पर कोई तरह के कोई भी वहां पर इलाज नहीं दिया जा रहा है, ना ही वहां पर डॉक्टर्स रहते हैं। और अगर पीएससी या सीएससी के आप हालात देखेंगे तो वहां पर या तो फार्मासिस्ट या फिर आपको वहां पर गार्ड जो है वो वहां पर आपको मिलेंगे, उसके अलावा डॉक्टर्स नारा दिखाई देते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओपी सिंह, बीजेपी नेता, साथ ही साथ शौकत अली हमारे साथ सपा नेता मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो ओपी सिंह जी, सबसे पहले मैं आप पर आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगी, इतनी बड़ी भारी चूक को आप किस तरह से देखते हैं? 2 महीने होने को आ रहे हैं कोरोना काल में, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार दुरुस्त हैं, उसके बावजूद जो ये कॉकटेल दिया गया है वैक्सीन का, इसको आप किस तरह से देखते हैं और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पर व्यवस्थाएं दी है स्वास्थ्य के लिए, जितनी भी चीजें उपयोगी है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत हो, वेंटिलेटर की जरूरत, सारी व्यवस्था की है। और हमारे मुख्यमंत्री जी अब तक ये हम समझते हैं कि भारतवर्ष के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो कोविड-19 से ग्रसित होने के बाद, निकलने के बाद, अब तक जो है 60 जिलों का स्वयं दौरा किए हैं और जाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं और बराबर निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन वही आपने जो ये सिद्धार्थनगर का मामला उठाया है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर गए हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से कोविशील्ड की जगह पर स्वास्थ्य कर्मियों ने कोवैक्सीन लगा दिया। यह निश्चित रूप से भारी लापरवाही है, चूक है, यह मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है। इस पर इसकी जांच करा करके निश्चित रूप से हमारी सरकार या हमारे सरकार के जो अधिकारी हैं वो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, जिन अधिकारियों ने इस तरह से जो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं, डीएम सीएमओ के खिलाफ, डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये हत्या का मामला नहीं दर्ज होता है जिन पर इतनी भारी? सुनिए 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 सुनिए, ये कहना बहुत आसान है।
कि जो डीएम, जो एसपी, जो सीएमओ, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो नर्सें, जो दिन रात उसमें लगे हुए हैं, जिनको कि मतलब अपने जान की परवाह नहीं है, अगर चूक हुई तो जांच होगी, इतनी जल्दी किस स्तर पर यह लापरवाही हुई है। तो ओपी सिंह जी, शायद आपको ये भी नहीं समझ में आया कि वो 20 लोग जिनको ये वैक्सीन की जो कॉकटेल लगा दी गई है, शायद तक उनकी जान का भी आपको नहीं कोई अंदाजा है कि उनके लिए भी भारी चूक है। हम बिल्कुल उनके कार्य को, बिल्कुल उनकी सराहना कर रहे हैं कि वो फ्रंट लाइन खड़े होकर लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन 20 लोगों का क्या जिनको ये डोज दी गई है? 20 लोगों को जो डोज, मैंने कहा ना, जिन लोगों के जिस स्तर से लापरवाही, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी जांच के बाद। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को, 20 लोगों को ये कोवैक्सीन लगा है, उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या उसका परिणाम होगा, उसकी भी तो डॉक्टर और सारे लोग उसकी जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं उसकी क्या व्यवस्था हो सकती, कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा, लगातार 2 महीने से डिबेट चल रहा है, उत्तर प्रदेश ने इस महामारी में पूरे भारतवर्ष में कई प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें मौत के मामले में भी, लेकिन ओपी सिंह जी, मौत के मामले में भी शायद तक यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपने प्रयागराज की तस्वीरें भी देखी होंगी, जिस तरह से 25 करोड़ की आबादी में अभी तक 9% लोगों को वैक्सीन तक नहीं ली गई है, पूरी तरह से 9% लोगों को भी टीकाकरण नहीं दिया गया है, कुत्ते के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वैक्सीन का कॉकटेल लगा दिया जाता है, लोगों की जिंदगी के साथ पे साफ तौर पर खुले आम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि आप चैनल पर हैं, आपको जो कमियां और खामियां दिखाना आपका नैतिक दायित्व बनता है, लेकिन वही आपका एक नैतिक दायित्व और, सुनिए सुनिए, वही आपका एक नैतिक दायित्व और बनता है कि ये सरकार किस तरह से इससे, किस तरह से जूझ रही है, किस तरह से व्यवस्था कर रही है, किस तरह से ग्रामीण और रोगियों के बीच में जाकर के सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं उपलब्ध कर रही है, उनकी जान बचा रही है, वो पॉजिटिव रिपोर्ट भी दीजिए। आपने जो ये चीज, जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव चीजें भी दिखानी चाहिए, लेकिन उन भाई बहनों के, हमारे जो 25 करोड़ की आबादी में जो 25% गांवों के लोग रह रहे हैं, क्या उनका दुख दिखाने से हम चूक जाए? क्या उनकी तकलीफ हम ना दिखाएं? क्या सरकार को हम जगाए नहीं कि उन ग्रामीणों को क्यों नहीं दिया जा रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी ढंग की? सुनिए भाई, ये तो मैंने पहले कहा कि आपका नैतिक दायित्व है। मैं भी 35 साल पत्रकार रहा हूँ, 27 साल दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ रहा हूँ, तब आपके पास बैठा हूँ। हमारा यह फर्ज बनता है कि जो सच्चाई है उसको दिखाए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ, किसी चीज को इस महामारी में जागरूकता और लोगों का उत्साह वर्धन बढ़ाने के बजाय कुछ विपक्षी पार्टियां और कुछ मीडिया वो लगातार निगेटिव दिखा रहे हैं साहब, वो आप ग्रामीण इलाकों में जाते होंगे, आप पत्रकार रहे हैं, तो आप गांव-गांव जाकर वहां के हालात आप लगातार आपने देखे होंगे, जितने पीएससी, जितने सीएससी हैं इस वक्त ताले लगे हुए हैं, खिलाफ छापा है, मैंने जितनी भी दुर्व्यवस्था है उनको बढ़ चढ़ के आज की स्थिति बता दीजिए गांव में, क्या पीएससी सीएससी जितने हैं ग्रामीण इलाकों में, क्या उनमें ताले नहीं जड़े हैं? क्या वहां पर डॉक्टर्स हैं? क्या वहां पे फार्मासिस्ट और सिर्फ वहां पर होमगार्ड नहीं काम करते हैं? देखिए, सुनिए, मैं भाजपा प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहा, मैं एक नागरिक की हैसियत से भी आपसे बात कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैं 4 साल पहले जो सीएससी और पीएससी के हालात थे, आज परिवर्तन हुआ। आज जाइए गांव में, आप ऐसा करिए कि एक दिन सीएससी और पीएससी का जो है, नहीं, ओपी सिंह जी, हम जाके देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग, बिल्कुल, हम ग्राउंड रिपोर्ट जब लेके आते हैं तभी हम ये सवाल और इतनी दृढ़ता के साथ आपके सामने रखते हैं। अगर हम वहां पर ना जाते होते और इस तरह के हालात ना देख रहे होते, आज हम सवाल ना कर रहे होते। दोनों दिखाइए, जहाँ ताला बंद है उसको भी दिखाइए, और जहाँ पर एक शहर की तरफ बेहतर स्थिति प्रदान की गई है उसको भी दिखाइए। चलिए ठीक है, आप टैबलेट नहीं मिलता, बिल्कुल ओपी सिंह जी, ये हमारा दायित्व है और हम ये बिल्कुल अच्छे से अपना निभा रहे हैं, अपना कार्य, हमें पता है कि हमें अच्छा भी दिखाना है, बुरा भी दिखाना है, और हम दोनों ही दिखाते हैं। लेकिन जहां कमियां हैं, जहां पर लोग मर रहे हैं, जहां पर लोगों को दवाइयों का अभाव है, जहां पर लोगों के घर, जहां पे कमाने वाले एक एक लोग नहीं रहे, उनकी पीड़ा भी हम उसी तरह से उजागर होती है और उसी तरह से हम दिखाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, पहला सेंटेंस अगर आपको याद होगा तो मैंने जब इसकी शुरुआत किया तो कहा कि ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व है।
इस बात में सारी बात समाज ठीक हो गई। अब आप हमको ये कहिए कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा। अरे मैं तो पहले का, और मैंने भी, मैं पत्रकारिता किया हूं तो मैंने क्या छोड़ा है किसी को, मैंने भी छापा। बिल्कुल ओपी सिंह जी यही तो कह रहे हैं, आप उतरिए गांव गांव जाके, आप अधिकारियों की मत सुनिए। तो पत्रकारों का जो दायित्व है वो सच दिखाना, वो हम दिखा रहे हैं। ठीक है शौकत अली जी, आपको क्या लगता है? ठीक है शौकत अली जी, आपको क्या लगता है जो इस समय गांव गांव की हालत है, जिस तरह से लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, उस बीच इस तरह का जो कृत्य किया गया है, एक तरह से कोविशील्ड इनको लगी है, उनको कोवैक्सीन दे दी जाती है, जिनको कोवैक्सीन लगी होती है पहली डोज उनको कोविशील्ड दी जाती है, तो क्या ये क्रिमिनल निग्लिजेंस में हम नहीं ले सकते हैं? हत्या में इसको नहीं लेंगे हम, एक व्यक्ति की जिसको 20 लोगों को इस तरह का कॉकटेल दिया गया वैक्सीन का? बड़ी लापरवाही की, ये कोई पहला मामला कीर्ति जी नहीं, इससे पहले भी हुआ कि डॉग्स के इंजेक्शन इंसान को लगा दिए गए, आज वैक्सीन को बंद पड़े हैं। डॉक्टर उपलब्ध पार्टी के लोग आंकड़े पेश करने में महारत हासिल किए हुए हैं, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। उसके बाद आप अगर पूछ रहे हैं तो आप कई सवाल दाग दे रहे हैं कि नहीं आप लोग गलत खबरें दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अभी एक अखबार में खबर छपी थी, तमाम लाशें दिखाई जा रही थी, तो क्या अखबार भी अब गलत खबरें छापने लगा है? आप जाइए, अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अखबार ने गलत तस्वीरें छापी हैं तो मुकदमा कर दीजिए, और अखबार आईना दिखाने का काम करता है, लेकिन सच्चाई शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब हैं शायद उन्हें अंदाजा नहीं, तमाम लाशें आज भी शमशान घाटों पे जलाई जा रही, गांव में ये आलम है कि सीएससी पीएससी बंद पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं नहीं, इलाज मिल नहीं पा रहा है, और ये दावे करने पे लगे हुए हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश के हालात बहुत से। मैं पूछना चाहता हूं अगर सब कुछ सही है तो आपके ही तमाम मंत्री विधायक सांसद आरोप लगा रहे थे, बार बार चिट्ठियां लिख रहे थे, उनको आप खुद स्वयं कह रहे थे चिट्ठी लिखने के लिए या उन्हें अच्छा लग रहा था चिट्ठी लिखते हुए आपको? देखिए सच्चाई ये है कीर्ति जी कि उत्तर प्रदेश के हालात खराब है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हालात संभल नहीं पा रहे हैं। ओपी सिंह जी, साफ तौर पर शौकत अली जी ने कहा है कि आपसे हालात उत्तर प्रदेश के संभल नहीं पा रहे, जिस तरह की स्थिति यहाँ सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका स्वागत है, उनको कहना भी चाहिए, विपक्षी पार्टी है, क्योंकि इनके नेता ने ही जब पूरे देश में ये महामारी फैली और जब कोवैक्सीन या कोविशील्ड लोगों को जब इसका लगना शुरू हुआ तो इनके नेता ने एक बड़ी शर्मनाक बयान दिया था कि ये बीजेपी का इंजेक्शन है, ये बीजेपी का टीका है, और मैं तो नहीं लगवाऊंगा और हमारे लोग भी नहीं लगवाएंगे। ये पूछिए समाजवादी पार्टी के लोग टीका लगवाए हैं कि नहीं लगवाए हैं, नंबर एक। नंबर दो, हमको एक ठो किसी दिन आप हमको चैनल पर बुला लीजिए और हमको इस ये जो एक साल की महामारी है, ट्विटर के अलावा, अखबार के अलावा, चैनल के अलावा, इनका एक कृत्य दिखा दीजिए जो इन्होंने इस महामारी में ये जो है ग्रामीण या किसी रोगी या किसी अस्पताल या किसी क्या किया जगह खड़े हो, सरकार आपकी है, वो उन्होंने क्या किया उस पर नजर करने से बजाय कि आपकी सरकार है। सॉरी, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करूं, मैं भाग तो नहीं रहा, और जितनी भी कमियां है वो मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं इससे भागू तब तो आप मुझे कहिए। करने के लिए ओपी सिंह जी क्या किया जा रहा है? ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रेड क्रॉस को जिसको आपने जिम्मेदारी दी है इंजेक्शन जो सबसे ज्यादा जरूरी है ब्लैक फंगस के मरीजों को देने के लिए, वो आज वहां पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है पीड़ितों को, 9 अधिकारी गुजरते हैं। सुनिए, क्या जब ये महामारी फैली तुरंत जो है वैक्सीन का इंजेक्शन पूरे विश्व में किसी देश में आया है? ब्लैक फंगस आज की बीमारी नहीं है? अरे भाई सुन लीजिए, ब्लैक फंगस के प्रति भी सरकार सतर्क है और हर जनपद में इसकी व्यवस्था की गई है, इसकी दवा की व्यवस्था, इसमें क्या इलाज हो सकता तो, है जी, और ब्लैक फंगस, सुनिए आप एक मिनट में सुनिए ओपी सिंह जी, यही तो समस्या है, यही समस्या है। शायद तक आप लोग ना अधिकारियों की सुनकर आप ये मान लेते हैं कि व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त है, लेकिन आप उन रेड क्रॉस सिक्योरिटी के अधिकारियों से जाके जब आप बात करेंगे तो डेली पीड़ित वहां पहुंचकर उनको गालियां दे रहे हैं, उनसे अभद्रता करते हैं, क्योंकि जब 9 अधिकारियों से वो परमिशन लेके पहुंचते तो वहां इंजेक्शन कह दिया जाता है कि हमारे पास तो इंजेक्शन का अभाव है, 200 इंजेक्शन चाहिए तो 20 इंजेक्शन प्राप्त होते हैं। सुनिए, आप उत्तर प्रदेश के अलावा देश के भी हालात देखते होंगे,
आप ये भी देखती होंगे दिन भर में कोई मुख्यमंत्री 8 बार चैनल पर आता है और बयान देके चला जाता है, लेकिन आप पूरे देश में एक ऐसा भी मुख्यमंत्री है जो सारा दिन जो है गांव में और जिलों में जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट, मतलब जो असलियत गांव की है, जो व्यवस्था की, उसको देख रहा। दूसरी बात, आपने जो एक शब्द का प्रयोग किया मुझे उस पर इतराज है, जो सिद्धार्थ नगर की घटना घटी है ये चूक है, इसमें जितनी सजा हो सकती है देनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो बार बार आपने जो हत्या का आपने जो जिक्र किया है, न तो ये हत्या में आता है और न तो हत्या के प्रयास में आना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए देखिए, आप फिर से चैनल इस पर डिबेट के बाद पता कर लीजिए कि जो सिद्धार्थ नगर की घटना है क्या हत्या की या हत्या के प्रयास के श्रेणी में आता है कि नहीं आता। हमारा नंबर आप ले लीजिए अपने यहाँ से और बताइए कि इसको श्रेणी में लाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जिस तरह से ये वैक्सीन के डबल डोज, अभी तक एक वैक्सीन जो दी जा रही है उसमें आप पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हुए कि क्या वो वैक्सीन लोगों के लिए सही है, उसके बाद आप डबल डोज, एक को वैक्सीन कोविशील्ड, ये किस तरह की लापरवाही है और उन पर अभी तक आज आपने ये किया। अच्छा ठीक है, ओपी सिंह जी, आपने बोला आज मुख्यमंत्री का दौरा था वहां पर सिद्धार्थ नगर में, उस दौरे से पहले भी क्या डीएम की, सीएमओ की इस पूरी चूक पर या डॉक्टर्स की चूक पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई फिर? अच्छा यही बता दीजिए आप। जो सॉरी जो संबंधित लोग हैं, जिन लोगों ने यह लापरवाही की है, उनके विरुद्ध और उनसे ऊपर के अधिकारी जिनके निर्देश पर यह सब देख रेख में चीज, उनके खिलाफ। अब आप ही कहिए कि कमिश्नर, डीएम, एसपी, सीएमओ, सीएमएफ सबको सस्पेंड कर दे। आप ये बताइए, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं और मैं ये रिकॉर्ड बताता हूं, पूरे भारतवर्ष में जितने उच्च अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है, मैं चैलेंज करता हूं कि उसकी आधी भी किसी प्रदेश में नहीं हुई है, और खासतौर से ये कलार का और बाबू के खिलाफ नहीं हुई है, आईएएस और आईपीएस के खिलाफ हुई है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ठीक है शौकत अली जी, जिनके भरोसे काम। ठीक है ओपी सिंह जी, शौकत अली जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से अभी तक ओपी सिंह जी दावे करते आए हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी उपलब्धि गिना रहे कि जितनी जांचें अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी है उतनी कहीं नहीं हुई है, लेकिन शायद टीकाकरण 9% से कम हुआ है वो नहीं दिख रहा है उन्हें, आपको क्या लगता है? देखिए कीर्ति जी, हमने पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पेश करने में महारत हासिल है, वो गुलाबी आंकड़े उत्तर प्रदेश को देते रहते हैं, देश को भी देते रहे हैं, और देश की जनता परेशान होती रही, उनसे कोई मतलब नहीं उनको। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सब कुछ सही है, बहुत छोटे से शब्दों में पूछना चाह रहा हूं, पी सिंह जी मेरी बात को समझ जाएंगे, अगर सब कुछ सही है, सब कुछ आपके अनुसार सही, आपके सरकार के अनुसार सही, तो आपके ही सांसद, आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक चिट्ठियां लिख रहे थे और उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था खराब थी उसको अवगत कराने का काम कर रहे थे। तो क्या मैं मान लूं कि उत्तर प्रदेश के जो आपके मिनिस्टर, आपके सांसद या आपके विधायक जो भी शिकायत दर्ज करा रहे थे वो गलत था, या वो सारे लोग गलत थे, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करिए। आपने अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे। आपके कहने के अनुसार अगर सब कुछ सही है तो आपके मिनिस्टर देश की जनता को गुमराह कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या है और कहना क्या है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, हम कहते हैं कि सरकार के पास तो सारे उपकरण उपलब्ध होते हैं, लेकिन सरकार की मरी हुई इच्छा शक्ति थी जिसके कारण तमाम जाने गई। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर दो चीजें समझा देता हूं। अगर सरकार चाहती तो ऑक्सीजन भी उपलब्ध होती, इंजेक्शन भी उपलब्ध होते, तमाम ऐसी चीजें थी जो उपलब्ध हो जाती, लेकिन सरकार को जब उपलब्ध कराने की, जब सरकार को यह समय था कि सरकार लोगों के साथ खड़ी हो, तब सरकार ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। एक बहुत छोटी सी चीज है, मैंने कई चैनलों पे कही है कि अगर तमाम जाने जो गई हैं उसमें से तमाम ऐसे भी लोग थे जो कोरोना से पॉजिटिव नहीं थे, जिनको डेंगू था, टाइफाइड था, तमाम और बीमारियों से ग्रसित थे, उनको भी इलाज नहीं मिल पाया जिसके कारण की जाने चली गई। लेकिन सरकार बार बार ये आंकड़ा पेश करती रही, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है, हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है। हम लोगों ने सवाल भी उठाया, महाराज आपके बयानों के कारण कभी कभी हम लोग को नुकसान भी उठाना पड़ रहा, तमाम लोगों की जाने जा रही, उल्टे सीधे बयान देकर देश को गुमराह कर दिया आपने। आपने खुद ही एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दे दिया कि जिनको अति आवश्यक हो उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। महाराज जी हमें बता दीजिए ये अति आवश्यक वाला पर्चा कहाँ बनेगा? अरे ऑक्सीजन सबको जरूरत थी, लोग जिनको जरूरत थी वही ऑक्सीजन लेने जा रहे थे। आपके इस बयान से तमाम लोग ऑक्सीजन की लाइन में खड़े रहे, उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाई, तमाम लोगों ने जान गंवा दी। इस तरह के बयान देने के बाद भी लोग कहते नहीं उत्तर प्रदेश उनको। शौकत अली जी, जब अधिकारी इस सरकार में जब परमिशन देंगे कि इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए
और 9 जो घेरों से होकर जब पीड़ित पहुंचता है रेड क्रॉस पर, तो उसे जब इंजेक्शन नहीं मिलता है तो सबसे दर्दनाक बात वही हो जाती है। फिर तो मुझे नहीं लगता कि इतने परमिशंस के बाद जब रेड क्रॉस पहुंचकर भी उसको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद तो जो पीड़िता के जो परिजन है, जो लोग हैं, वो परेशान होंगे और इस तरह के सवाल उठाएंगे। हम लोग भी रेड क्रॉस के हम भी मेंबर हैं और हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने इस चीज से अवगत भी कराया था कि इतनी लंबी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से निपट कर जब आदमी यहाँ तक आएगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो जाएगा। हम लोगों ने चीज को लिखित में भी अवगत कराया है तो और मौखिक भी बताया था, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को उस पर सोचने के बजाय जो इस तरह के बयान दे रहे, सरकार को उस पर सोचना चाहिए था। सरकार ने उस पर कोई मंथन नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, जैसा अधिकारियों ने बता दिया वैसा मान लिया। अगर आपने जो चीज बोली कि रेड क्रॉस के आप भी कहीं ना कहीं मेंबर है तो आपको तो परिस्थितियां पता होंगी, तो उस परिस्थितियों के खिलाफ आपने वो आवाज क्यों नहीं बुलंद करी, उन पीड़ितों की आवाज को क्यों नहीं बुलंद करके आपने सरकार तक पहुंचाया? जी हम लोग लगातार लिखित में भी और मौखिक जैसे भी हो, हम लोग सरकार को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ भी हम सरकार को सही चीज बताने का काम कर रहे हैं। ये सरकार लेकिन करना तो चाहे सरकार की मरी हुई इच्छा शक्ति, मैंने कहा ना अगर अधिकारियों की बात मानकर आप लोग काम कर रहे हैं तो करते रहिए, प्रदेश की जनता तो झेल ही रही है। अब प्रदेश की जनता आपने चीख चीख कर कह रही, लेकिन आप कह रहे हैं सब राम राज्य है, तो विडंबना यह है कि हम किससे जाके कहें। उत्तर प्रदेश के मुखिया से अगर कोई बात अवगत कराना चाहता है, व्यक्ति कह रहा है, तमाम अखबार भी उस चीज को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग बार बार ये दावा करते हैं कि नहीं सब कुछ राम राज्य। ठीक है, ओपी सिंह जी, क्या लगता है आपको? शौकत अली जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब आपके खेमे के ही जो मंत्री हैं वो भी आवाज उठा चुके हैं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, उसके बाद जब शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी तो जो डर था कि ग्रामीण इलाकों में जब ये कोरोना का कहर बरसेगा। जी शौकत अली को बताइए कि परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें अगर कहीं व्यवस्था गड़बड़ है तो क्या मंत्री आवाज नहीं उठा सकता? मैं कहीं गड़बड़ तो मैं आवाज प्रवक्ता हूँ तो मैं आवाज नहीं उठा सकता? उठा सकते हैं, आवाज उठाने के लिए मना नहीं हो रहा है, बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बदहाल स्वास्थ्य कि पोल तो वहीं से खुल जाती है ना, कि किस तरह से जब आपके बड़े बड़े मंत्रियों को ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो वो तो व्यवस्थाओं की पोल तो वहीं खुल जाती है, लेकिन हम उस पुरानी बातों को ना करते हुए वर्तमान स्थिति बिल्कुल शहरों में सुधारी गई है। ओपी सिंह जी सुन लीजिए, शहरों में सुधारी गई है लेकिन गाँव की ओर जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र, इस बात को शौकत अली नहीं लेकिन आप तो इस बात को कबूल करेगी कि ये तो दूसरे फेज की ये जो महामारी आई है, क्या आपको अनुमान था कि जो पहले फेज को आपने देखा था कि एक साथ पीक पर 50 की जगह 5,000 मरीज निकलेंगे और 5,000 मरीज निकलेंगे उसमें जो है 4,000 ओपी सिंह जी विशेषक पहले से जितनी तेजी के साथ व्यवस्थाएं बदली हैं और व्यवस्थाएं की गई हैं मरीजों के लिए दवा की, उनको ऑक्सीजन की, उनको वेंटिलेटर की, उनको डॉक्टरों की, बिल्कुल ठीक है। ओपी सिंह जी चलिए हम इसके लिए आपको शाबाशी दे देते हैं, लेकिन 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, ये तो आपको पता था कि ग्रामीण इलाकों में अगर ये महामारी जाएगी तो वहां की व्यवस्थाएं क्या होंगी? आज भी वेंटिलेटर धूल चाट रहे हैं, पीएससी सीएससी में ताले लगे हुए हैं। अगर आपको नहीं होता तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं, आप करिए, आप हमारे साथ गांव गांव चलिए, हमने क्योंकि जहां तक अभी गांव देखे हैं वहां पर यही हालात हो सकता है भाई। अरे भाई आप कह रहे मैंने मान लिया मैं विरोध करूं तब तो आप कहिए दिखा सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं अपर्याप्त हुई है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन जितनी तेजी के साथ व्यवस्थाएं लोगों को दी गई है इसकी जो है WHO ने भी सराहना किया है और पूरे भारत वर्ष में जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ की जो व्यवस्थाएं थी जो हाई कोर्ट की निंदा लगातार लेकिन आप लोग झेलते आए हैं ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट तो लगातार इस बात को लेकर निंदा नहीं किया है। नहीं नहीं हाई कोर्ट ने निंदा नहीं दिया, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये चीजें होनी चाहिए तो वो चीजें अच्छा ठीक है। ओपी सिंह जी चलिए आप हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि आपको एम्बुलेंस निर्धारित कर देनी चाहिए जो ग्रामीण इलाकों से लोगों को लेकर शहर तक आए, फील्ड पर बना देने चाहिए हॉस्पिटल, उस पर स्टे क्यों लगवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट जाकर? नहीं एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई लेकिन आप मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 लोगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था है और 100 लोग आ गए
तो कहीं ना कहीं तो उसमें व्यवस्था में व्यवधान तो पड़ेगा ना, 10 की जगह हमको 20 एम्बुलेंस, 20 की जगह 40 एम्बुलेंस करने में समय तो लगेगा ना। नहीं, 20 एम्बुलेंस करने को नहीं बोला था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि आप 2 ही एम्बुलेंस निर्धारित करिए, लेकिन गांव से शहर तक मिलाने के लिए आप कम से कम कुछ एम्बुलेंस तो रख सकते हैं उसके उपयोग के लिए जो ग्रामीण वासी है, लेकिन आप लोग ने वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस पर स्टे लगवा दिया। अब देखिए, हाई कोर्ट ने जो कहा वो तो सरकार के लिए गाइडलाइन हो गई, निर्देश हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, ये तो उसकी कानूनी व्यवस्था है ना, हम उस पर क्या आपको जवाब दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आपने स्टे लिया, चलिए ठीक है। शौकत अली जी, आपको क्या लगता है, क्या इस पर स्टे लेना सही था? फील्ड पे आप लोग को जो लगातार कहा जा रहा था कि चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी ग्रामीण इलाकों में, पीएससी सीएससी नहीं है, जिस तरह से हालत बेहाल है, उसके बाद ये तमाम चीजें करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भी लगातार ये आवाज उठाता रहा है और कहता रहा है कि इस तरह से व्यवस्था बदहाल होती जा रही है स्वास्थ्य। शौकत अली जी, आपको आवाज आ रही? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने लगातार मांग की, जब शहरों के हालात खराब थे तब समाजवादी पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए, अभी कोरोना गांव में नहीं लेकिन जब गांव में फैलेगा तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस बात पे जरा सा भी गौर नहीं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो भी हमारे प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं, जो भी हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाए हैं सरकार में वो बंद पड़े हैं, उनको आप चालू कर लीजिए, चाहे वो लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल की बात हो, तमाम हम लोगों ने जानकारी दी कि सरकार उस पर आके काम करे, तमाम लोगों की जाने बच पाए। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मरी हुई इच्छा शक्ति थी जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। अब पूछा जाता है कि जब गांव में इतने बड़े पैमाने पे आज कोरोना फैल रहा है, सीएससी पीएससी बंद पड़े हैं, आपके पास एम्बुलेंस व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, तब आप एक दावा कर बैठते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सही है। महाराज, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो हालात है, जो आज गांव, जब शहरों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, शहरों में आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उसके बावजूद भी आप एक दावा करते हैं कि गांव के हालात सही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कैसे सही हैं? आज सीएससी पे उत्तर, आपने भी ग्राउंड पे रिपोर्ट की होगी, तमाम देखा होगा, हम लोगों ने भी तमाम देखे हैं, तमाम लोगों ने फोटो खींच के पत्रकारों को भेजी है कि ये सीएससी पीएससी बंद पड़े हुए हैं, इनके बारे में आप लोग चलाइए, इनके बारे में दिखाइए, क्योंकि सत्यता दिखाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, जो सत्य है उत्तर प्रदेश की जनता को पता चलना चाहिए आज। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं सरकार में बैठे हुए, सरकार से बाहर हुए, उनके प्रवक्ताओं एक ही दावा करने में जुटे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात सही हैं। अगर महाराष्ट्र सब कुछ सही है तो फिर ये आवाजें क्यों उठ रही हैं, इतने सारे लोगों की जाने क्यों जा रही हैं? बिल्कुल ओपी सिंह जी, मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमारा ये जो खबर दिखाने का मतलब ये रही कि कहीं से नीचा दिखा रहा है किसी तरह से, हम बस ये चाहते हैं कि आपको सच्चाई पता चले, जो आप अधिकारियों की शायद तक सुनकर आप लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ स्थिति कंट्रोल में है, हर चीज सही हो गई है। शहरी इलाकों में जब हमने इतना अभाव देखा इलाज का, उसके बाद ग्रामीण इलाकों में स्थिति क्या है वो आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ रहे, क्योंकि आपने भी कहा हमने पत्रकारिता की है तो ग्रामीण इलाकों का हाल पता है, लेकिन इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और उसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो ये लापरवाही हुई है उस पर किस तरह की कार्रवाई होने वाली है? जो लापरवाही जिस स्तर पर हुई है, जांच कराने के बाद जो दोषी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, अब तक यही होता चला आया है, कोई बचा नहीं है उत्तर प्रदेश में। भ्रष्ट, बेईमान, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाला, चाहे जितना से बड़ा प्रभावशाली अधिकारी हो, बचा नहीं है। बिल्कुल, उदाहरण है कि नहीं बचा है। दुर्भाग्य की बात का है ना कि मौतों का आंकड़ा सिर्फ आप लोग के लिए आंकड़ा लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा है कि वो जिन लोगों की जान गई है और जिन्होंने अपने परिवार के माँ बाप बेटे भाई बहन, संवेदनशील नहीं है हम, संवेदनशील नहीं है, मनुष्य नहीं है, संवेदनशील नहीं है, हमारे अंदर हमारे हृदय में जो है वो अगर कोई कई घटनाएं घटती तो उसके प्रति हमारे मन में संवेदनशीलता नहीं आती, वो खाली अखिलेश यादव और मायावती के हृदय में आती है, हमारे हृदय में नहीं आती। हमने काम कर रहे हैं और जनता को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा जो इतिहास है, भारत वर्ष में पूरे विश्व में 20 करोड़ लोगों को टीका लगाने का रिकॉर्ड भारत ने कायम किया, 130 उत्तर प्रदेश में 9% से कम टीकाकरण हुआ है ओपी सिंह जी। अरे तो देख रही है कितना गिरा, 38,000 से 3,000 आ गए, जो रिकवरी आप इसी पर पीठ थपथपाते रहेंगे कि कम हो गए, लेकिन आप क्या व्यवस्थाओं को नहीं देख रहे जो जान गंवा रहे हैं, मृत्यु का भी तो आंकड़े देख लीजिए। फिर देखिए, व्यवस्था शुरू में कुछ जो है कमजोर थी, लेकिन आज के तारीख में
जिले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हर जगह व्यवस्था बड़ी अच्छी की गई है, जहां मरीजों के जाने के बाद उनकी जांच होना, उनकी दवा देना, उनको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जो भी जरूरत। सिंह जी हम बताइए, हम कहां मान ले, जब एक अधिकारी लेवल से 9 बार उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी इंजेक्शन के लिए, उसके बाद जब हम रेड क्रॉस पर पहुंचेंगे 9 लेवल की इजाजत के बाद, वहां पर इंजेक्शन नहीं मिलेगा, तो इंजेक्शन मिल भी जाता तो शायद तक वो मरीज के लिए नहीं, फिर वो शायद तक उसकी अर्थी पर यूज होगा, मेरे ख्याल से तो ठीक है। शौकत अली जी, आपको क्या कहना है, लास्ट कमेंट क्या लगता है आपको, जिस तरह से व्यवस्थाएं और लगातार सरकार इंजेक्शन के लिए नौ बार जो है किसी से वो 9 चक्र की अनुमति रखी गई है, ओपी सिंह जी, 9 चक्र की अनुमति ब्लैक फंगस को लेकर, और वो भी डॉक्टर्स की अनुमति नहीं, आपके अधिकारियों की। ये बताइए कमिश्नर, अब इसकी अनुमति देंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको दिया जाना चाहिए इंजेक्शन की नहीं दिया जाना चाहिए, कमिश्नर ये चीज डिसाइड करेंगे? नहीं सर, ये गलत रिपोर्ट है, ये गलत रिपोर्ट नहीं है, आपको शायद तक पता नहीं, ओपी सिंह जी यही दिक्कत है, आपको पता नहीं है ये चीज। फंगस के मामले में उसका सेंटर बनाया गया है, वहां मरीज जाएगा जी, नहीं मरीज जाएगा, लेकिन जो जो 3 दिन में 18 इंजेक्शन लगने हैं, उसके लिए आपको 9 चक्र की अनुमति लेनी होगी अधिकारियों से, उसके बाद आप रेड क्रॉस जाएंगे, वहां पर आपका जो भी पैसा बनता है वो दे के उसके बाद आपको वो इंजेक्शन मिलता है, और उसके बावजूद रेड क्रॉस वालों को 200 इंजेक्शन की खपत है, तो उसमें 20 मिल पा रहे हैं, ये है असलियत। ठीक है शौकत अली जी, आपको क्या लगता है जो ये कहा जा रहा है रेड क्रॉस, आपने भी बोला अधिकारी, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे टोक सकते हैं। नहीं बिल्कुल, आपने सही बात बताई कि एक लंबी फेरिस्ट है, लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पार करने के बाद हम लोग तक पहुंचेगी, फिर हम लोग उसको वितरण करेंगे, लेकिन समस्या है कि जो लंबी प्रक्रिया है वही इतनी लंबी है, अगर हम मांगते भी हैं, अगर हमने मान लीजिए 200 की डिमांड की है तो हमें 20-25-50 मिल पा रही है, तो ये बड़ी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को आज के दौर में कम करना चाहिए, जब पूरा देश प्रदेश तबाही की ओर बढ़ा है, उसके बाद इस प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। मुझे रेड क्रॉस में डीएम साहब इन्वॉल्व होते हैं, संस्था में डीएम साहब डायरेक्ट होते हैं, डीएम साहब को पावर दे देते, अब डीएम साहब डायरेक्ट हम लोग को उपलब्ध करा देते, सारी चीजें आसान हो जाती, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया को 9 चक्र की, वो भी अधिकारी जा जाके एक एक जो पीड़ित के परिजन है वो जा जाके पहले परमिशन ले, उसके बाद रेड क्रॉस पहुंचे जी, स्थिति तब तक क्या मरीज की रह जाएगी। चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी लास्ट कमेंट, क्या लगता है आपको किस तरह से अब आगे बढ़ने वाले, क्योंकि थर्ड वेव की भी बात हो रही है। हम पूरा सेकंड फेज जो है कंट्रोल कर चुके हैं, थर्ड फेज की तैयारी हो चुकी है, चाहे थर्ड आवे चाहे फोर्थ आवे, पूरी तैयारी है, और आप देखेंगे कि भगवान न करे कि आए, और अगर आएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार दिन रात मेहनत करके वो इस तरह की तैयारी करी है कि तीसरे फेज का बाइज में अगर उत्तर प्रदेश में लहर आती है तो उसके लिए हम पूरी तैयार है, और किसी प्रकार की कोई असुविधा। चलिए ठीक है, ओपी सिंह जी एक आखिरी सवाल का भी जवाब देते जाइए फिर, कितने NICU बन गए हैं अभी तक थर्ड वेव के लिए, कितनी तैयारियां हो गई हैं? ICU तो प्रत्येक जिले में बन गया है, प्रत्येक जिले में बच्चों के लिए जो बनते हैं चिल्ड्रन वार्ड, उसको भी बता रहा जी। ओ भाई उसी कारण प्रत्येक जनपद में बन गया, कहीं 12 बेड का बना है तो कहीं 50 बेड का बना है तो कहीं 100 बेड का बना है, कहीं 10 बेड का बना है, ये आपको जानकारी करवा लीजिए, प्रत्येक जनपद में वो बन चुका है, उसके लिए डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, दी जा रही है, उसके लिए जो दवाएं और जो इंजेक्शन की व्यवस्था हो रही है वो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, व्यवस्थाएं दुरुस्त है सरकार के माध्यम से। ठीक है ओपी सिंह जी और शौकत अली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि ग्रामीण इलाकों के हाल, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, आज भी लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, पीएससी सीएससी के हालात ये है कि वहां पर ताले जड़े हुए हैं, और जो दवाइयों के नाम पर जो लगातार कहा जा रहा है कि लोगों को दवाइयां दी जा रही हैं, उन दवाइयों का लोगों को नामो निशान तक ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल पाया है, ये है असलियत। उसके बावजूद वैक्सीन का कॉकटेल लगाना ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन सरकार जांच करेगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी, और 14 तारीख को लगा ये इंजेक्शन आज तक कार्रवाई के घेरे में, और ये कार्रवाई कब होगी इस पर डॉक्टर सीएमओ और डीएम पर कार्रवाई कब होगी और इनसे पूछताछ कब होगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ, ऐसे ही चर्चा करते हुए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।